वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत ज़्यादा सजेशन आ रहा था कि सर आप जल्द से जल्द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर गेस्ट टेस्टिंग एग्जाम लेकर आओ। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी का वेटिंग वो आज कंप्लीट हुआ। दोस्तों, इसके पहले मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और उसका वीडियोज़ भी मैंने सेपरेटली अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ देखा नहीं है तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियोज़ देख सकते हो। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, अगर आप उनमें से 50 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 40 क्वेश्चंस अगर आप लोग 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस एक्यूरेटली सॉल्व कर लेते हो तो 100% आपका गारंटी है कि आपका जो गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम है वो आप इजीली क्रैक कर दोगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, ये वीडियो लाने में मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा क्योंकि मुझे पहले तो पीडीएफ को तैयार करना होता, उसके बाद मैं वीडियोज़ को क्रिएट कर पाता हूँ, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। चूँकि मुझे क्वेश्चंस भी अकॉर्डिंग टू गेस्ट टेस्टिंग से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन को तैयार करना होता है, और मैंने ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आपका प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम्स हुए थे गेस्ट टेस्टिंग से, उनसे मैं कंसेप्चुअली उसको ग्रिप अप किया, वहाँ से उसको इकट्ठा किया और वहाँ से फिर हमने इन सभी क्वेश्चंस को तैयार किया। तो मेक श्योर आप हमारे इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर में, और हूबहू आपको मैं उम्मीद करवाता हूँ कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के आपके गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अगर आप लोग इसको कर लेते हो तो मेक श्योर आपका जो गेस्ट टेस्टिंग का एग्ज़ाम है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और वहाँ से हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला आपको एक फिगर दे दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको उम्मीद करवाता हूँ कि देखिए, गेस्ट टेस्टिंग का एग्ज़ाम जो भी है वो उसमें आपको फ्लेम सेफ्टी लैंप से रिलेटेड या फिर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको फिगर दिए जाएंगे और फिगर से ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसा कि इस फिगर में आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर वन, यानी कि ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, इस सेक्शन में जो आपका पॉइंट वन से दिखा रहा है, इंडिकेट किया गया है, तो इस पार्ट्स का क्या नाम है। आपके साथ ऑप्शन दिया गया है आउटलेट होल्स, ऑप्शन बी इनलेट होल, ऑप्शन सी रबर ट्यूब, ऑप्शन डी एस्पिरेटर वाल्व। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली आपका इनलेट होल्स है। इसी होल्स के हेल्प से आपका जो एयर है वो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में फीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू, नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर टू, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो इस सेक्शन का क्या नाम है उसको आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन है आपका टेलीस्कोपिक प्रोब, ऑप्शन बी रबर ट्यूब, ऑप्शन सी स्टिक, ऑप्शन डी एस्पिरेटर वाल्व। तो ये जो आप सेक्शन टू देख रहे हो, इस सेक्शन का नाम होता है टेलीस्कोपिक प्रोब। इसको हम लोग टेलीस्कोपिक प्रोब के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टेलीस्कोपिक प्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर थ्री, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस पार्ट्स का क्या नाम है। ऑप्शन ए आपका टेलीस्कोपिक प्रोब, ऑप्शन बी एस्पिरेटर बल्ब, ऑप्शन सी रबर ट्यूब, ऑप्शन डी नन। तो इस पार्ट्स का बेसिकली नाम होता है रबर ट्यूब। इसका क्या नाम है, तो रबर ट्यूब नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है, नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर फोर, ये जो फिगर आप देख रहे हो फिगर फोर, इस पार्ट्स का क्या नाम है। ऑप्शन ए आपका एस्पिरेटर वाल्व, ऑप्शन बी रबर ट्यूब, ऑप्शन सी टेलीस्कोपिक प्रोब, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एस्पिरेटर वाल्व हो जाएगा। दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ कि ये जो फिगर है वो बेसिकली किस इंस्ट्रूमेंट का फिगर है। नेक्स्ट हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो फ्लेम सेफ्टी लैंप के फिगर से रिलेटेड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर नाइन, ये जो आपका फिगर नाइन यहाँ पे शो कर रहा है, मैं इसे जूम आउट कर दूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे, ये जो फिगर नाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पार्ट्स है फ्लेम सेफ्टी लैंप का, उसको आपको आंसर करना है।
तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप देखो, तो ऑप्शन ए आपका आउटर वायर गेज, ऑप्शन बी इनर वायर गेज, ऑप्शन सी एस्पिरेटर पैकिंग रिंग, ऑप्शन डी ग्लास। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो है वो आपका इनर वायर गेज है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इनर वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर 2। फिगर 2 यहाँ पे अगर हम लोग जूम आउट करें इस फिगर को, तो यहाँ पे ये जो फिगर 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके साथ ऑप्शन दिया गया है, नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर 2। ऑप्शन ए आपका वेंट होल्स, ऑप्शन बी कैरिंग हुक, ऑप्शन सी डिफ्लेक्टर रिंग, ऑप्शन डी नन। तो पार्ट 2 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट होल। वेंट होल क्या होता है? तो वेंट होल एक बेसिकली एक एयर को पास करने के लिए एक प्लेस होता है। बेसिकली इसी के मीडियम से आपका जो एयर है वो इस फ्लेम सेफ्टी लैम्प के अंदर में जाता है। तो वेंट होल्स क्या है? तो बेसिकली वेंट होल्स इज अ मीडियम फ्रॉम विच द एयर गोज डाउन इनटू द फ्लेम सेफ्टी लैम्प। क्वेश्चन है 7, नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर 6। यहाँ पे ये जो फिगर है फिगर 6, ये फिगर 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपके साथ ऑप्शन है ए नन स्प्लिट ऑयल वाल्व, ऑप्शन बी पीलर, ऑप्शन सी डिफ्लेक्टर रिंग, ऑप्शन डी पैकिंग रिंग। तो यहाँ पे जाहिर सी दिख रहा है कि हमारा ये जो फिगर है वो दिखा रहा है हमारा पीलर को। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सेफ्टी लैम में कितना नंबर्स ऑफ पीलर्स होता है और उसका क्या डायमेंशन होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 8, नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर 12। यहाँ पे ये जो फिगर 12 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके साथ ऑप्शन है पैकिंग रिंग, ऑप्शन बी चिमनी, ऑप्शन सी ग्लास रिटेनर, ऑप्शन डी विक रिटेनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पैकिंग रिंग होगा, एस्बेस्टर पैकिंग रिंग बेसिकली ये फिगर में दिखाया गया है। क्वेश्चन 9, नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर 13। यहाँ पे इस फिगर को आप गौर करो तो ये फिगर 13 क्या दिखा रहा है? तो आपके साथ ऑप्शन है ए ग्लास, ऑप्शन बी वायर गेज, ऑप्शन सी ऑयल वेशर, ऑप्शन डी रिटेनर रिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग्लास हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, नेम द पार्ट्स ऑफ फिगर 7। यहाँ पे बेसिकली ये जो पार्ट आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये पार्ट 7, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मैग्नेटिक लॉक, ऑप्शन बी रिटेनर रिंग, ऑप्शन सी वीक होल्डर, ऑप्शन डी वीक एडजस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मैग्नेटिक लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और यहाँ से हम लोग और भी क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है उसमें बताया गया है कि गैस इंक्लूड्स। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका रेगुलेशन 2 से है, बेसिकली आपका डेफिनेशन सेक्शन से है। तो गैस का मतलब क्या होता है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए वेपर और फ्यूम्स, ऑप्शन बी फ्यूम और वेपर, ऑप्शन सी स्मोक और फ्यूम, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्यूम और वेपर। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच गैसेसिम ऑफ द डैश डिग्री वेदर और नॉट इन्फ्लेमेबल गैस इज एक्चुअली डिटेक्टेड इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर एट एनी प्लेस और व्हेन द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इज एंड व्हेन इफ डिटेक्टेड इन सच जीबीए डज नॉट एक्सीड 0.1%। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पूछा गया है कि कौन सा गैसी सीम होगा जिसमें आपका इन्फ्लेमेबल गैस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अगर इन्फ्लेमेबल गैस मिल रहा है तो उसका जो परसेंटेज है वो आपका 0.1% से अधिक नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री, ऑप्शन बी सेकेंड डिग्री, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है जीबीए इंक्लूड्स। जीबीए का मतलब है यहाँ पे जनरल बॉडी ऑफ एयर। जनरल बॉडी �फ एयर का भी डेफिनेशन आपका रेगुलेशन 2 में दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे सिंपली पूछ रहा है कि जीबीए के अंदर में क्या इंक्लूड होगा। ऑप्शन ए आपका रूफ कैविटीज, ऑप्शन बी सील्ड ऑफ एरिया, ऑप्शन सी बोरहोल ड्रिल्ड, ऑप्शन डी ऑल। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं
कि जीबीए के अंदर में रूफ कैविटीज इंक्लूड होता है और आपका जो सील्ड ऑफ एरिया है और बोरहोल ड्रिल्ड है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, स्टोन डस्ट बैरियर इज अप्रूव्ड बाय। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए थे गेस्ट टेस्टिंग के, तो आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सीम, ऑप्शन बी रीम, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी डीजीएमएस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सीम। सीम का फुल फॉर्म होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, और वहीं रीम का हो जाता है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है व्हेन एनी वर्किंग इज एक्सटेंडेड टू विद इन डैश ऑफ एनी गोफ और डिसयूज्ड वर्किंग कंटेनिंग और लाइकली टू कंटेन एन एक्यूमुलेशन ऑफ इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस, दियर शैल बी मेंटेन एट लीस्ट वन बोर होल नॉट लेस देन 1.5 मीटर डीप इन एडवांस। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि मेरा जो वर्किंग अभी चल रहा है वो कितना मीटर के अंदर में आ जाएगा डिसयूज वर्किंग और गोफ के, जहाँ पे आपका लाइकली टू कंटेन यानी कि उस जगह पे आपका एक्यूमुलेशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस का चांसेस रहेगा जमाव का, तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि एक एडवांस बोरहोल लगाना है जिससे एडवांस बोरहोल का लेंथ वह 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो पूछ रहा है आपका कि हमारा जो वर्किंग प्लेस है और जो हमारा जो गोफ या फिर डिसयूज्ड वर्किंग है तो उन दोनों के बीच में कितना मीटर का डिस्टेंस आ जाने पर हम लोग एक एडवांस बोरहोल लगाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका 30 मीटर, ऑप्शन बी 45 मीटर, ऑप्शन सी 60 मीटर, ऑप्शन डी 90 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 मीटर। दोस्तों जब 30 मीटर के अंदर में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एडवांस बोरहोल लगा करके चेक कर लेते हैं कि वेदर हमारा जो प्लेस है वो इन्फ्लेमेबल गैसेस या नॉक्सियस गैसेस का वहाँ पे जमाव तो नहीं है। तो ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे कह रहा है परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस डज नॉट एक्सीड इन द डैश इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर ऑफ एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट एंड डैश इन एनी प्लेस इन द माइन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो एक क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि जो इन्फ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज है वो कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए एक वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही साथ किसी भी प्लेस में कितना उसका परसेंटेज, इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज वो किसी भी प्लेस में आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका 0.65 एंड 2.5, ऑप्शन बी 0.65 एंड 1.5, ऑप्शन सी 0.75 एंड 1.25, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.75 एंड 1.25। यानी कि दोस्तों कहता है कि वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट जो आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर है वो आपका वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में जो इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज है वो 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, और अगर हम लोग बात करें कि माइंस के किसी भी प्लेस में इन्फ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज है वो 1.25 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एयर इन फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री गैसी माइन एट 7.5 मीटर आउट बाय ऑफ द डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप। इसमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होगा हमारा फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री के गैसी माइंस में एट 7.5 मीटर आउट बाय ऑफ द डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप। तो इसका ऑप्शन है आपका 25 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 30 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 30 मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 15 मीटर पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 15 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इन्फ्लेमेबल गैस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाउंड और डिटेक्टेड व्हेन इट इज इंडिकेटेड बाय द लोअर्ड फ्लेम ऑफ अ फ्लेम सेफ्टी लैंप और वेयर मीथेन डिटेक्टर आर यूज्ड, दे इंडिकेट डैश परसेंटेज और मोर इन केस ऑफ थर्ड डिग्री गैसी सिम। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड डिग्री गैसी सिम में अगर हम लोग इन्फ्लेमेबल गैस का जाँच करते हैं एक फ्लेम सेफ्टी लैंप या फिर मीथेन डिटेक्टर से, तो कितना आपका मीथेन डिटेक्टर से उसका जो परसेंटेज है
होने पर हम लोग उसको थर्ड डिग्री में काउंट करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका 0.1, ऑप्शन बी 0.2, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 1.25। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1.25 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों जब भी हम लोग मीथेन डिटेक्टर से या फिर फ्लेम सेफ्टी लैंप से अगर हम लोग इनफ्लेमेबल गैस का जांच कर रहे हैं और उसका जो परसेंटेज है वो 1.25 से एक्सीड हो जाएगा या फिर 1.25 होगा तो उसको हम लोग थर्ड डिग्री में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी शैल बी कट ऑफ इमिडिएटली व्हेन द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एक्सीड। यानी कि कितना आपका इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज एक्सीड हो जाने पर हम लोग अंडरग्राउंड माइंस का जो बिजली है उसको कट ऑफ कर देंगे। तो ऑप्शन ए 1.25, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 0.75, ऑप्शन डी 1.75। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1.25। दोस्तों जब भी हमारा इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज वो 1.25 से एक्सीड कर जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा अंडरग्राउंड माइंस का उसको हम लोग को कट ऑफ कर देना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हु शैल आइदर हिमसेल्फ टेक और गिव आउट एनी सेफ्टी लैम्प फ्रॉम द लैम्प रूम। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पिछला एग्जाम में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प को लेगा और वह किसी और दूसरे आदमी को इशू करेगा सेफ्टी लैम्प फ्रॉम द लैम्प रूम। ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी DGMS, ऑप्शन सी ऑथराइज्ड पर्सन, ऑप्शन डी सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑथराइज्ड पर्सन। ये जो क्वेश्चन है उसको आप रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हो 180 रेगुलेशन यूज़ ऑफ सेफ्टी लैम्प। उसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि वहाँ पे बोला गया कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन वो किसी भी सेफ्टी लैम्प को खुद से लेगा नहीं और किसी को वो इशू नहीं करेगा फ्रॉम द लैम्प रूम। तो ये था, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। विच लॉ स्टेट्स द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली एज द एब्सोल्यूट प्रेशर द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी कि कौन सा ऐसा लॉ है वो बता रहा है कि अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट प्रेशर के जब हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन ए आपका बॉयल्स लो, ऑप्शन बी चार्ल्स लो, ऑप्शन सी ग्राम्स लो, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बॉयल्स लो। दोस्तों ये जो गैस लो से आपका जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए थे। हो सकता है कि इस एग्जाम में आपको चार्ल्स लो से पूछ ले या फिर ग्राम्स लो से पूछ ले या फिर बॉयल्स लो से पूछ ले। तो आपको ऐसा इस सेक्शन को भी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द फ्लेम सेफ्टी लैम्प गेट्स एक्सटिंग्यूश्ड व्हेन द ऑक्सीजन परसेंटेज फॉल्स टू अबाउट। यानी कि हमारा ऑक्सीजन परसेंटेज वो कितना से कम हो जाने पर हमारा जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प है वो कम्प्लीटली बुझ जाएगा। ऑप्शन ए 19%, ऑप्शन बी 18.5%, ऑप्शन सी 17.5%, ऑप्शन डी 21। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 17.5%। दोस्तों जब भी हमारा ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 17.5% से घट जाएगा तो हमारा क्या होगा फ्लेम सेफ्टी लैम्प वो कम्प्लीटली बुझ जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हमारा जो ऑक्सीजन का परमिसिबल लिमिट कितना होता है अंडरग्राउंड माइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच गैस इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर। यानी कि कौन सा ऐसा गैस है जो आपका पानी में बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होता है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एट व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग डबल्स। यानी कि कितना परसेंटेज आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए जिस पर जो मनुष्य है जो आपका वर्कर्स है उसका जो ब्रीदिंग है वो दोगुना हो जाएगा।
तो ऑप्शन ए आपका 3%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 1%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 3%। अगर हम लोग को माइंस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो आपका 3% हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग का जो सांस है वो दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। फॉर एवरी 5% ऑफ ब्लैक डैम व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग के माइंस में 5% ये आपका ब्लैक डैम मौजूद है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ऑक्सीजन में कमी आएगा वो कितना परसेंटेज कमी आएगा। तो ऑप्शन ए आपका 2%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 5%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1%। दोस्तों जब भी फ्लेम ये आपका ब्लैक डैम का परसेंटेज वो 5% से होता है, तो वहाँ पे हम लोग को 1% ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक डैम कैन बी क्लियर्ड अवे बाय। दोस्तों अगर हम लोग के माइंस में ब्लैक डैम का जो परसेंटेज है वो अगर डिडक्ट होता है, तो हम लोग कैसे ब्लैक डैम का जो परसेंटेज है उसको हम लोग हटा सकते हैं, ब्लैक डैम को कैसे हम लोग रिमूव आउट कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए आपका स्प्रिंकलिंग ऑफ लाइम, ऑप्शन बी इंप्रूविंग वेंटिलेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। दोस्तों जब भी हम लोग के माइंड्स में अगर ब्लैक डैम एक सीमित मात्रा में आपका एक्यूमुलेट होता है, तो उसको हम लोग चूना का छिड़काव से हमारा जो ब्लैक डैम का परसेंटेज जो एक्यूमुलेट हुआ था वो रिड्यूस हो जाता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग वेंटिलेशन को ठीक कर लेते हैं तो उससे क्या है कि आपका जो ब्लैक डैम का एक्यूमुलेशन जो हुआ था वो भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द लिमिट ऑफ इनफ्लेमेबिलिटी ऑफ H2S इज, ऑप्शन ए 4.3 to 4.5%, ऑप्शन बी 4 to 75%, ऑप्शन सी 12.5 to 75%, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नन। दोस्तों H2S का जो इनफ्लेमेबिलिटी का जो लिमिट है वो आपका होता है 4.3 to 45% होता है, ना कि आपका 4.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच गैस इज नाइदर कंबस्टिबल नोर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। यानी कि कौन सा ऐसा गैस है जो आपका कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है और ना ही वो कंबस्टिबल होता है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी नाइट्रस फ्यूम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, SO2। SO2 ऐसा गैस है जो आपका ना तो कंबस्टिबल होता है और ना ही वो कंबशन को सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूस, यानी कि जब हमारा मीथेन वो एयर में बर्न करता है, एयर के प्रेजेंस में बर्न करता है, तो वो कौन कौन सा गैसेस को रिलीज करता है, या फिर आप कह लो कि जब मीथेन वो एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो कौन कौन सा गैस को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी वाटर वेपर, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ एंड बी। जब दोस्तों मीथेन आपका बर्न करता है तो मेनली वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और साथ ही साथ आपका वाटर वेपर को वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पोर्टेबल मिथेनोमीटर लाइक रेलो बर्न मिथेनोमीटर, MSE मिथेनोमीटर, ओल्डहम मिथेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन बी बॉयल्स लो, ऑप्शन सी चार्ल्स लो, ऑप्शन डी नन। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो भी हमारा मिथेनोमीटर है वो आपका बेसिकली आपका कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
31 है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मेनली एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी काटा थर्मोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, द रीलिंग हाइग्रोमीटर इज रील्ड एट, जो आपका रीलिंग हाइग्रोमीटर होता है उसको हम लोग कितना रोटेशन करवाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका 200 RPM, ऑप्शन बी 100 RPM, ऑप्शन सी 300 RPM, ऑप्शन डी 400 RPM, ऑप्शन ई 1000 RPM। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 200 RPM हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपका प्रीवियस एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 33, इन स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस मेनली, यानी कि जब हमारा जो कोल में अगर इंस्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है तो वहाँ पे कौन कौन सा गैसेस का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी वाटर वेपर अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। दोस्तों जब भी हमारे लोग का कोल में इंस्पॉन्टेनियस हीटिंग लगता है तो मेनली आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, साथ ही साथ आपका वाटर वेपर के साथ आपका टेम्परेचर या फिर आप कह लीजिए कि हीट का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट है आपका 34, ए एट 3% ऑफ ग्राम्स रेशियो इंडिकेट्स, यानी कि ग्राम्स रेशियो में 3% क्या इंडिकेट करेगा। ऑप्शन ए एडवांस्ड अप्रोचिंग एक्टिव फायर, ऑप्शन सी एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्पॉन्टेनियस हीटिंग, ऑप्शन बी एक्टिव फायर, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्टिव फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35, कोवार्ट डायग्राम इज अप्लाइड व्हेन, दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कोवार्ट डायग्राम का अप्लीकेशन कहाँ पे होगा। ऑप्शन ए सीलिंग ऑफ फायर, ऑप्शन बी रीओपनिंग अ शील्ड ऑफ एरिया, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। दोस्तों जब भी हम लोग को किसी भी प्लेस को सील ऑफ करना होता है, जब भी हमारा माइंस में अगर किसी भी प्लेस में आग लगता है तो उस एरिया को हम लोग को सील करना पड़ता है, तो वहाँ पे जब सीलिंग करते हैं तो कोवार्ट डायग्राम का वहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ता है। साथ ही साथ जब हम लोग बंद किया गया एरिया जहाँ पे आपका मेनली आग लग गया था, अब उसको हम लोग को ओपन करना है, तो वहाँ पे जब ओपन करना है उस सील्ड ऑफ एरिया को, तो वहाँ पे भी हम लोग को कोवार्ट डायग्राम का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 36, द हायर एक्सपोसिबिलिटी लिमिट ऑफ मीथेन इज, ऑप्शन ए 5.4, ऑप्शन बी 14.8, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 45। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 14.8%। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि लोअर एक्सपोसिबिलिटी लिमिट ऑफ मीथेन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 37, व्हाट इज द लैग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ फायर डैम। ऑप्शन ए 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.5 सेकेंड, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस एट व्हाट टेम्परेचर, यानी कि कितना टेम्परेचर होने पर आपका मेनली कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन वो टेक्स प्लेस करेगा। ऑप्शन ए 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 650 to 750 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर तक अगर पहुंचता है तो वहाँ पे आपका कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन होने का मेनली चांसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 39, स्टेप्स टेकन टू रेंडर द कोल्ड डस्ट हार्मलेस आर, दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि कोल्ड डस्ट को हम लोग कैसे कौन सा स्टेप्स लेंगे जिसके कारण हमारा जो कोल्ड डस्ट का एक्यूमुलेशन है वो कम हो सकता है और कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को हम लोग बचा सकते हैं, होने से बचा सकते हैं। ऑप्शन ए वेटिंग द कोल्ड डस्ट विथ वाटर, ऑप्शन बी स्प्रेइंग और स्प्रिंकलिंग स्टोन डस्ट, ऑप्शन सी प्रोविजन ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर और वाटर बैरियर, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। दोस्तों जब भी हम लोग को कोल्ड डस्ट का जमाव को कम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी का छिड़काव करते हैं ताकि कोल्ड डस्ट जो है वो सप्रेस हो सके। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि स्टोन डस्ट
का स्प्रिंकलिंग करवा देते हैं माइंस में। साथ ही साथ अगर हम लोग का अगर कोई भी डिग्री का माइंस होता है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो, सेकंड डिग्री हो, थर्ड डिग्री, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे भी चांसेस होता है कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन होने का, तो वहाँ पे हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर लगाते हैं। अगर स्टोन डस्ट बैरियर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे हम लोग वाटर बैरियर लगाएंगे। ये स्टोन डस्ट बैरियर और वाटर बैरियर क्या करेगा, तो आपका कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को वो रोकेगा, वो आगे फैलने से उसको रोक देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इफ़ द वायर गेज इज बाउड ग्रेजुअली टू द माउथ ऑफ बर्नर देन द फ्लेम इज, दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक बर्नर है, उस बर्नर के पास वो जल रहा है वो, तो अगर हम लोग वायर गेज को उसके पास लेकर जा रहे हैं, तो आपका जो फ्लेम होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए एक्सटिंग्विश्ड, ऑप्शन बी बर्न्स एट हाई स्पीड, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी डिक्रीज। तो जब भी हम लोग किसी भी बर्नर के पास वायर गेज को लेकर जाएंगे, तो उसका जो फ्लेम है वो कम्प्लीटली बुझ जाता है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, 41। मॉडर्न फ्लेम सेफ्टी लैम्प कैन विथ स्टैंड एंड एयर वेलोसिटी ऑफ, इसमें बोल रहा है दोस्तों कि आपका जो मॉडर्न फ्लेम सेफ्टी लैम्प होता है वो कितना एयर वेलोसिटी को वो झेल सकता है, यानी कि कितना अगर हवा का वेलोसिटी हम लोग उसको प्रोवाइड करें कि वो बुझे नहीं। तो ऑप्शन ए आपका 12 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 14 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 17 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 15 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों अगर हम लोग 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एयर को फ्लो करवाते हैं, तो वो आपका जो भी मॉडर्न फ्लेम सेफ्टी लैंप होता है वो बुझता नहीं है। अगर हम लोग इससे ज़्यादा स्पीड में अगर हम लोग फ्लो करवाएंगे एयर को, तो क्या होगा, आपका जो फ्लेम सेफ्टी लैंप है वो हो सकता है बुझ जाए, उसको वो झेल नहीं सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, 42। विच जोन इन विच इनकम्प्लीट कम्बशन टेक्स प्लेस, ऑप्शन ए इनर जोन, ऑप्शन बी आउटर जोन, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट जोन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरमीडिएट जोन। यहाँ पे आपको कह रहा है कि बेसिकली आपका जो कम्बशन होता है वो तीन जोन में होता है, एक आपका इनर जोन होता है, एक आउटर जोन, एक इंटरमीडिएट जोन। तो आपका मेनली इंटरमीडिएट जोन में आपका वहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, और साथ ही साथ आपका जो इनर जोन होता है वो आपका बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे तो कम्बशन होता ही नहीं है, आपका कम्बशन मेनली आउटर जोन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरमीडिएट जोन। नेक्स्ट है आपका 43। इन कोल माइंस वेयर मीथेन गैस इज लाइकली टू बी प्रेजेंट, इट इज़ टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प इन विच वेज, यानी कि अगर हम लोग कोल माइंस में जहाँ पे भी आपका मीथेन गैस का जमा होने का चांसेस होता है, तो उसको हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प से किस तरह से हम लोग जांच करेंगे। ऑप्शन ए एक्यूमुलेशन टेस्ट करेंगे, ऑप्शन बी परसेंटेज टेस्ट करेंगे, ऑप्शन सी बोथ एक्यूमुलेशन टेस्ट और परसेंटेज टेस्ट करेंगे, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों जहाँ पे भी हम लोग को आशंका रहता है कि इस जगह में आपका मेनली मीथेन गैस का जमाव हो सकता है, तो वहाँ पे सबसे पहला तो हम लोग एक्यूमुलेशन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं कि एक्यूमुलेशन टेस्ट जब किए, तो वहाँ पे हो सकता है मेरा गैस वो मिले या नहीं भी मिले। अगर हम लोग को मीथेन गैस एक्यूमुलेशन टेस्ट से पता चल रहा है कि उस प्लेस में आपका मीथेन गैस मौजूद है, तो उसके बाद हम लोग परसेंटेज टेस्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गया, आपको परसेंटेज टेस्ट नहीं करेंगे जब हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ मीथेन वो अगर मौजूद है माइंस में, तो वहाँ पे हम लोग परसेंटेज टेस्ट नहीं करेंगे फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। इन ओल्डहम कैप लैम्प ईच सेल कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, जो आपका कैप लैम्प होता है उसमें बैटरी लगा होता है, तो बैटरी में बेसिकली कौन कौन सा सॉल्यूशन होता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। दोस्तों जो ओल्डहम कैप लैम्प होता है उसमें जो बैटरी लगा होता है उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ डिस्टिल्ड वाटर का भी सॉल्यूशन उसमें डाला हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। लाइफ ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प, तो ऑप्शन ए आपका 6 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन सी
3 ईयर्स, ऑप्शन डी 2 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 ईयर। दोस्तों जितना भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बता रहा है वो सभी क्वेश्चंस को आपको कम्प्लीटली करके ही जाना है, और साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी 200 से 250 क्वेश्चंस सीबीटी के जो भी आपके गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी मैंने कवर अप किया है। तो आप उस वीडियोस को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियोस देख लें। इस वीडियोस के अलावा आपको और भी एमसीक्यूज क्वेश्चन करना है तभी जाके आपका जो गेस्ट टेस्टिंग का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाएगा। दोस्तों उन्हीं सारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस को करवाया है 200 से 250 के बीच में, अगर आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हो तो गारंटी है आपका जो अटैम्प्ट है वो आप लोग एक ही अटैम्प्ट में गेस्ट टेस्टिंग को क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एट 17%, यानी कि जब हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज वो 17% होगा तो वहाँ पे मनुष्य पर कैसा इफेक्ट डालेगा। ऑप्शन ए डेथ, ऑप्शन बी डीप ब्रेथ, ऑप्शन सी लाइटनेस, लाइटनेस का मतलब होता है सिर दर्द, ऑप्शन डी फेंटिंग, फेंटिंग का मतलब होता है चक्कर आना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डीप ब्रेथ। दोस्तों जब भी ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 17% होता है तो जो भी वर्कर होता है उसको सांस लेने में तकलीफ शुरू होने लगती है, यानी कि उसका जो सांस लेने का जो क्षमता है वो डीप हो जाता है, यानी कि गहरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। विच गैस इज कॉल्ड स्थायित, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन सी ब्लैक डैम, ऑप्शन डी नाइट्रस फ्यूम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लैक डैम। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ब्लैक डैम एक मिश्रण होता है किसका किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का साथ ही साथ आपका एक्सेस नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्रीशोल्ड लिमिट ऑफ H2S इज, ऑप्शन ए आपका 0.001%, ऑप्शन बी 0.01%, ऑप्शन सी 0.1%, ऑप्शन सी 0.0001%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.001%। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ने पढ़ा होगा कि H2S का जो आपका थ्रीशोल्ड लिमिट दिया गया है या फिर आप कह लीजिए कि परमिसिबल लिमिट है वो 10 ppm होता है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है तो परसेंटेज में आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो मेनली यहाँ पे क्या किया गया है कि ppm को आपका परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो ppm को परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको सिंपली करना क्या है कि 1/, हम लोग जानते हैं कि 1 ppm में कितना पार्ट्स होता है तो 1,000,000 होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली 10^6 लिखना है और इनटू आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 लिखना है। अब आपको क्या करना है कि आप जान रहे हो कि थ्रीशोल्ड लिमिट वैल्यू ऑफ H2S का कितना होता है, 10 होता है। तो बेसिकली आपको ऊपर में आपको 10 लिखना है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको बेसिकली ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ppm से हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2S इज, ऑप्शन ए 1.59, ऑप्शन सी 1.18, ऑप्शन बी 2.2, ऑप्शन डी 1.1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50। थिकनेस ऑफ एस्बेस्टस पैकिंग रिंग, इसका ऑप्शन है आपका 5 mm, ऑप्शन बी 1.4 mm, ऑप्शन सी 7 mm, ऑप्शन डी 1.8 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.4 mm। दोस्तों आपको बताना है कि एस्बेस्टस पैकिंग रिंग का विड्थ कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम की ओर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कैंडल पावर ऑफ कैंप लैम्प, कैंडल पावर ऑफ कैंप लैम्प कितना होता है। ऑप्शन ए 1.2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.2। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। दोस्तों बेसिकली मैंने जितना भी आपको क्वेश्चंस करवाया है उन सभी क्वेश्चन को आपको बारीकी ढंग से कर लेना है तभी जाके आपका जो एग्ज़ाम है वो आप लोग क्लियर कर सकोगे। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। दोस्तों आप इस पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं।